व्याकरण अध्याय फोर में पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज इसमें मैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ है, सबसे पहले दिया है, यहाँ गलती से क्रिया दे दिया है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मानव भी जातिवाचक संज्ञा और मित्र भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चा किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बच्चा में सारे बच्चे आएंगे, मानव में सारे मानव जाति आ जाएगी और मित्र में जितने भी मित्र होंगे वो सब मित्र आएंगे। तो बच्चा से बन जाएगा बचपन, मानव से हो जाएगा मानवता और मित्र से हो जाएगा मित्रता। उसी तरह से लड़की है तो लड़की से हो जाएगा लड़कपन, दानव से दानवता और शत्रु से शत्रुता। कहने का मतलब है कि जैसे मानव मानवता दिखाता है, मित्र क्या करता है, मित्रता निभाता है, उसी तरह से जैसे शत्रु शत्रुता निभाता है। तो कहने का मतलब कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि उस शब्द का भाव, तो मित्र का भाव मित्रता ही होता है, मानव का मानवता होता है, लड़की का लड़कपन हो जाएगा, दानव का दानवता और शत्रु का भाव कभी भी शत्रुता का ही रहता है। तो ये तो हुआ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। आगे है क्रिया से संज्ञा बनाना। क्रिया से हम संज्ञा कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? जैसे लड़ना, लड़ना क्या है, एक क्रिया है, लड़ना से हो जाएगा लड़ाई, लिखना से हो जाएगा लिखाई, पढ़ना से हो जाएगा पढ़ाई, कमाना से हो जाएगा कमाई, हंसना से हंसी और चढ़ना से चढ़ाई। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया शब्द से अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट में हम बड़ी की मात्रा जोड़ देते हैं। जैसे लड़ना में आ की मात्रा है तो उसको हटा के हम क्या जोड़ दिए हैं, बड़ी की मात्रा जोड़ दी है। लड़ना से लड़ाई हो गया है, लिखना से लिखाई हो गया है, पढ़ना से पढ़ाई, सब में बड़ी की मात्रा है। यहाँ हंसना से हंसी, हंसी में भी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में बड़ी लगा के हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं क्रिया से। उसके बाद आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो ठंडा जो है विशेषण है। विशेषण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण और दोष जो बताता है वही विशेषण होता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता बताने वाले सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो ये क्या है? ठंडा, अच्छा, सफल, मोटा, खट्टा, ये सब क्या है? किसी न किसी के बारे में उसकी विशेषता बताई गई है। तो ठंडा से हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? ठंडक। अच्छा से अच्छाई, सफल से सफलता, मोटा से मोटापा, खट्टा से खटास, ऊँचा से ऊँचाई, भला से भलाई, मीठा से मिठास। तो इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं।